अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए अयोध्या मंदिर ट्रस्ट, बी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट, सी गोकुल धाम ट्रस्ट या डी स्टेचू ऑफ लिबर्टी ट्रस्ट। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर तेलंगाना पुलिस ने लोन ऐप से 2000 करोड़ की हेराफेरी करने वाले इंजीनियर को किया गिरफ्तार। भागलपुर के इसाचक थाने इलाके से तेलंगाना पुलिस ने लोन ऐप से 2000 करोड़ की हेराफेरी करने वाला इंजीनियर हेमंत झा को इसाचक के बिसारी स्थान से गिरफ्तार कर लिया है। इंजीनियर हेमंत झा बिसारी स्थान का ही रहने वाला है। वह लोन देने वाली कंपनी का डायरेक्टर था। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में जब बेरोजगारी फैली तो उसने इसका पूरा फायदा उठाया, ऐप से लोगों को लोन बांटे। युवाओं और किसानों से लोन पर 35% तक ब्याज की वसूली करता था। इसकी रिजर्व बैंक से मंजूरी तक नहीं ली थी। कर्ज के बोझ तले दबे लोगों के पैसे न चुकाने पर उसे प्रताड़ित भी किया जाता था। कई ने तो तंग आकर अपनी जान तक दे दी। इसाचक थाने में तेलंगाना पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस को हेमंत के एक दोस्त की भी तलाश है जो दिल्ली का रहने वाला है और इनमें किसान भी शामिल हैं। भुवनेश्वर का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9660948177992499821। नवगछिया, 5 दिनों से चल रहे चक्का जाम को पुलिस प्रशासन ने सख्ती से हटाया। 2 नेताओं को लिया गया हिरासत में। 5 दिनों से चल रहे ट्रक ऑनर एसोसिएशन के चक्का जाम कार्यक्रम को पुलिस प्रशासन ने सख्ती से समाप्त करवा दिया है। इस क्रम में पुलिस ने ट्रक ऑनर एसोसिएशन के 2 नेताओं दीप नारायण सिंह दीपक और लाल बाबू को हिरासत में ले लिया। शाम 4 बजे लगभग नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, भागलपुर के एसपी पूरन झा, सार्जेंट मेजर के शर्मा समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल धरनास्थल पर पहुंचे और पहले प्रदर्शन कर लोगों को समझा बुझाकर प्रदर्शन को समाप्त करने को कहा, लेकिन ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांगों पर अडिग रहे। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती का प्रयोग करते हुए 2 नेताओं को मौके से हिरासत में ले लिया और सबों को तुरंत प्रदर्शन समाप्त करने को कहा। नेताओं के हिरासत में लिए जाने के बाद ही कुछ स्थानीय लोग आक्रोशित हुए और पुलिस पदाधिकारी से बहस करने लगे। इस दौरान कुछ लोग सड़क पर लेट गए और प्रदर्शन भी करने लगे। लोगों ने जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। आक्रोश प्रदर्शन कर रहे संजीव कुमार उर्फ झाबो ने पदाधिकारी को कहा कि पहले हमारे नेता को छोड़ा जाए, फिर वे लोग यहां से हटेंगे, लेकिन पदाधिकारियों ने समझा बुझा कर सबों को शांत किया। देर शाम धरना स्थल को खाली करवा दिया गया और 5 दिनों से चक्का जाम में फंसे मालवाहक वाहनों को भी गंतव्य के लिए प्रस्थान करवाया गया। वहीं नवगछिया के एसडीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि मंगलवार को कैबिनेट के बाद चक्का जाम खत्म करने की बात कही गई थी, लेकिन समझाने बुझाने के बाद भी लोग जाम तोड़ने तैयार नहीं हुए। आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए जाम को शांतिपूर्ण तरीके से हटाया गया। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि 5 दिनों से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए जाम को हटाया गया। इस दौरान 2 नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, जिसे बाद में छोड़ दिया गया है। जाम छुटा सर, लगातार 5 दिनों से जाम बना हुआ था ट्रक एसोसिएशन के द्वारा। हाँ, हम लोग लगातार इनके साथ संपर्क में थे और वार्तालाप कर रहे थे कि इसको तोड़वाया जाए, क्योंकि ड्राइवर और खलासी बहुत दिनों से फंसे हुए हैं और उनका कच्चा माल भी है जो खराब होने के कगार पर था। तो लेकिन इनके तरफ से था कि नहीं, हमारी मांगे जब तक नहीं मांगी जाएंगी तब तक नहीं छोड़ेंगे। फिर हम लोगों ने इन लोगों को जो है कवर किया और कवर करने के बाद में ट्रक को चालू करवा दिया है। इनके तरफ से विरोध किया गया, जिसमें 2 नेता हैं इनके, उनको हिरासत में लिया गया है और रोड चालू हो गया। एक दीपक हैं और एक लाल बाबू हैं। प्रशासनिक विभाग के कौन कौन से लोग शामिल हैं इसमें सर?
और इसमें SDO साहब हैं, हम हैं, ASP भागलपुर हैं और हमारे यहाँ के काफ़ी ऑफिसर्स वगैरह हैं। क्या बलपूर्वक बोला जा रहा है? नहीं, बल प्रयोग करने का जरूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि ये सभी लोग व्यापारी हैं और ट्रक ओनर हैं, तो ये लोग भी समझदार हैं, हमारी बात को भी ये लोग मानते हैं। लेकिन इनकी मजबूरी है कि चूंकि अब किसी मांग को लेकर के धरने पर बैठे थे तो स्वेच्छा से नहीं कर रहे थे, तो थोड़ा सा हम लोग इनके जो है ना इनकी बात को नहीं माने हैं और अपने अधिकार का प्रयोग करके रोड को चालू करवा दिए। इतने बल की जरूरत कैसे पड़ेगी? पुलिस फोर्स की जरूरत, पुलिस फोर्स की जरूरत थी चूंकि इनकी भी संख्या ज़्यादा थी, अगर इनके तरफ से कोई भी कार्रवाई होता तो उसके रोकथाम के लिए हमारे पास बल की जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने भागलपुर से यहाँ व्यवस्था किया। लगभग 100 फोर्स की व्यवस्था हम लोगों ने की, भागलपुर से भी फोर्स आया। हाँ, भागलपुर से भी फोर्स। सेवा नौचार 0 माइल में ट्रक एसोसिएशन के द्वारा जाम किया गया था, इस पर किस तरह का जाम का असर रहा और आपकी योगदान रहा है इसमें सर, जाम खुलवाने में? जी, ट्रक एसोसिएशन के द्वारा उनकी मांगें रखी गई थी, उन मांगों पे सरकार विचार करेगी। अभी ये जाम जो इन लोगों ने 4 दिनों से लगाया था उसको आज क्लियर किया जा रहा है। कैसे क्लियर किया? किस आश्वासन, किस क्या वार्ता हुई सर, किस बात के? उन लोगों ने जो अपना विज्ञप्ति दी थी वो DM सर ने एक्सेप्ट की है, उस विज्ञप्ति के बाद ही हम लोगों ने इनसे बात करी और हम लोगों ने बिना बल प्रयोग किए जाम क्लियर करवाया है। सुनने में कुछ चीज़ हिरासत में लिया गया था, इस तरह की बात जी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में तीसरे दिन 80 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन, किसी को नहीं आई कोई समस्या। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में COVID-19 से प्रतिरक्षा को लेकर मंगलवार को 80 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन की निगरानी डॉक्टर बी दास और नौगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक अरुण कुमार सिन्हा कर रहे थे। वैक्सीनेशन के बाद किसी को किसी तरह की समस्या नहीं आई है। बताते चलें कि शनिवार को भी किए गए 81 लोगों के वैक्सीनेशन का रिजल्ट संतोषप्रद है, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई है। जानकारी मिली है कि मंगलवार को होने वाले वैक्सीनेशन के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग से कुल 100 व्यक्तियों का नाम आया था, लेकिन सूची में नाम वाले लोगों के नहीं आने के कारण 80 लोगों का ही वैक्सीनेशन हो सका है। अब तक नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में शनिवार से कुल 240 लोगों का वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज पूरा हो चुका है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया, हर खेत पानी के लिए विभिन्न पंचायतों में सर्वे करेगा कृषि विभाग। नवगछिया प्रखंड कृषि कार्यालय में हुई बैठक। हर खेत पानी के लिए नवगछिया कृषि प्रखंड कार्यालय में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी अशफाक अंसारी की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रखंड कृषि पदाधिकारी विजय कुमार सिंह, लघु सिंचाई विभाग के कनीय अभियंता राकेश कुमार, जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता महतो कुमार भंडारी भी मौजूद थे। बैठक में हर खेत पानी योजना को धरातल पर लागू करने के लिए विचार विमर्श किया गया। डोलवज्जा, हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आने से गड़ूर घायल, इलाज के लिए भेजा गया सुंदरवन। बीते सोमवार को फ्लाइंग के दौरान बगड़ी टोला कदुआ में 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आने से एक गड़ूर गिरकर जख्मी हो गया। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना डॉक्टर नगीना राय को दिया गया, उसके बाद घायल गड़ूर को उठाकर इलाज के लिए सुंदरवन भागलपुर भेज दिया गया है, जहां गड़ूर इलाजरत है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। रवि फसलों के ठंड एवं कीट प्रबंधन को लेकर शिविर का आयोजन। रगरा प्रखंड क्षेत्र के तिंटेगा दियारा पंचायत अंतर्गत भीमदास टोला में पायोनियर कंपनी द्वारा रवि की फसलें मक्के एवं गेहूं में ठंड एवं कीट फसल प्रबंधन को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें फसलों में ठंड एवं कीट से होने वाले नुकसान के मद्देनजर कंपनी के अधिकारी के द्वारा किसानों के बीच इससे बचाव के लिए विस्तार रूप से जानकारी दी गई। नवगछिया के मदरौनी गांव में देखा गया भारत का सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर, ग्रामीणों में कौतूहल। नवगछिया के रंगरा चौक प्रखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के किनारे मदरौनी गांव के पास भारत का सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर देखा गया। सांप काफी लंबा और मोटा था। उक्त स्थल पर सांप का देखा जाना ग्रामीणों के बीच कौतूहल
का विषय था। बड़ी संख्या में लोग उक्त सांप को देखने पहुंचे थे। ग्रामीण उक्त सांप को अजगर प्रजाति का सांप कह रहे थे, लेकिन सांपों के जानकार लोगों ने कहा कि यह सांप अजगर नहीं बल्कि यह सांप भारत का सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर है। जानकार बाबा विस्फोटक निषाद ने कहा कि इस सांप की पहचान बहुत ही आसान है। यह सांप अपने शिकार को देखते ही सिकुड़ जाता है और प्रेशर कुकर की सीटी की तरह यह भी सीटी देता है। ग्रामीणों को इस सांप से बचने की आवश्यकता है। कभी कभी अपने इलाके में भी इस सांप को देखा जाता है। ग्रामीण स्तर से मामले की सूचना वन विभाग के पदाधिकारी को दे दी गई है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक मौके पर पदाधिकारी नहीं पहुँच सके थे। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नवगछिया RTPS काउंटर पर 11 बजे तक लटका था ताला। नवगछिया अंचल कार्यालय स्थित RTPS सेंटर पर मंगलवार को 11 बजे दिन तक ताला लटका मिला, जबकि बाहर जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी थी। लाइन में खड़े लोगों ने बताया कि वे लोग कई दिनों से दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का कार्य नहीं हो रहा है। इधर RTPS कर्मियों ने बताया कि सड़क जाम रहने के कारण उन लोगों के यहाँ पहुँचने में विलम्ब हो गया। वे लोग समय से ही कार्यालय खोलते हैं और नियमतः कार्य करते हैं। नारायणपुर RTPS काउंटर पर राशन कार्ड जमा करने आए आवेदकों ने जमकर किया हंगामा। नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को RTPS काउंटर पर राशन कार्ड जमा करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों की संख्या में वहां भीड़ जमा हो गई। धक्का मुक्की लात घूसे भी चले। आवेदकों ने बताया कि नारायणपुर BDO द्वारा अलग अलग तिथि में पंचायत की सूची प्रकाशित किया गया था। जिस तिथि में जिस पंचायत का नाम था उस तिथि को उस पंचायत के लोग राशन कार्ड जमा करने के लिए RTPS काउंटर पहुंच रहे थे। वहीं आज जयपुर चूहरपुरा बलहा पंचायत की बारी थी, इसलिए लोग राशन कार्ड का आवेदन जमा करने के लिए RTPS काउंटर पर सुबह से लोग कतार में खड़े थे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए RTPS कर्मी द्वारा मात्र 44 आवेदन लिया गया। 40 के बाद सर्वर काम नहीं करने पर आवेदन लेना बंद कर दिया गया। आवेदन नहीं ले जाने पर मौजूद एकत्रित भीड़ आक्रोशित होकर जमकर बवाल काट हंगामा किया। इस दौरान प्रवेश द्वार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मौके पर दलबल के साथ भवानीपुर पुलिस के सहायक अवर निरीक्षक अनिल रविदास, CO अजय सरकार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी सुभाष गुप्ता ने लोगों से वार्ता की, जिसमें लोगों ने बताया और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। नवगछिया, घने कोहरे के कारण NH 31 पर आलू लदे पिकअप व डंपर में आमने सामने की टक्कर में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल। घना कोहरा होने के कारण मंगलवार को गोपालपुर थाना क्षेत्र के मकनपुर चौक पर शांति ढाबा के निकट पिकअप वैन और डंपर के आमने सामने की टक्कर होने के कारण पिकअप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही गोपालपुर थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और पिकअप में फंसे चालक को बेहोशी की अवस्था में स्थानीय लोगों व पुलिस के सहयोग से बाहर निकालकर इलाज हेतु अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। गोपालपुर थाने की पुलिस ने बताया कि पिकअप आलू लोड कर कटिहार से बिहपुर जा रही थी और डंपर नवगछिया की ओर से पूर्णिया जा रही थी। घने कोहरे के कारण दोनों में आमने सामने का टक्कर हो गया। घायल चालक के परिजन को पुलिस द्वारा सूचना दे दी गई है, परंतु चालक के बेहोश होने के कारण चालक के नाम वो पता की जानकारी नहीं मिल पाई है। नवगछिया, बिट्टन यादव हत्याकांड में फरार चल रहे नामजद अभियुक्तों के घर रंगरा पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के चापर में पिछले साल भर पूर्व हुए बिट्टन यादव हत्याकांड में फरार चल रहे नामजद अभियुक्तों के घर पर रंगरा पुलिस द्वारा डुगडुगी बजाकर सोमवार को इश्तेहार चिपकाया गया। मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल पूर्व थाना क्षेत्र के चापर निवासी बिट्टन यादव को अपराधियों ने कटरिया ओवर ब्रिज के समीप घेर कर उस समय हत्या कर दी थी जब वो अपने खेत से
मवेशी का चारा लेकर आ रहा था। लंगड़ा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे हत्याकांड के नामजद आरोपी सदवा निवासी बक्ता मंडल एवं चापा निवासी तूफना यादव हरपा यादव के घर पर इश्तिहार चिपकाया। इस बाबत लंगड़ा थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने बताया, अगर तीनों अभियुक्तों द्वारा 15 दिन के अंदर नहीं समर्पण किया गया तो इसके बाद तीनों के घरों की कुर्की जब्ती की जाएगी। रंगरा सिमरिया गांव में 5 लीटर देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार। रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 5 लीटर देसी शराब के साथ गांव के ही 36 मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा के थाना अध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया गांव में छापेमारी की गई थी, जिसमें 36 मंडल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है, जबकि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में महिला हुई घायल। रंगरा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भवानीपुर गांव के पास हुए सड़क हादसे में पूर्णिया जिले के पूर्णिया थाना अंतर्गत श्रीपुर निवासी रूपेश चौधरी की पत्नी पूनम देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जबकि रूपेश कुमार आंशिक रूप से चोटिल हुए हैं। दोनों का इलाज नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। रूपेश ने बताया कि मायागंज से घर जाने के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर वे दुर्घटना का शिकार हो गए। चिकित्सकों ने बताया कि घायल पूनम की स्थिति खतरे से बाहर है। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437।